to a standard. White to hota. See red. Yes. Kacha kacha pakka pakka. 90% pakka pakka. Pakka pakka. Yes. Ani kaka kaka. Kya karu? Freeze kar diji. Okay, Mr. Computer. C turns red. Freeze it, please. And yes, C is the right answer. Well done. Okay, जल्दी से पांचवा सवाल पूछता हूँ 20,000 रुपए के लिए. एक और लाइफलाइन भी आ सकती है अगर सही जवाब दोगे. मिस्टर कंप्यूटर, फिफ्थ क्वेश्चन पेश किया जाए. इनमें से किसे एक से अधिक शहरों में साथ साथ बनवाया गया था? ए कुतुब मीनार, बी स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल, सी चार मीनार, डी जंतर मंतर. जंतर मंतर. पक्का? Yes. फ्रीज करूं? बिल्कुल. मिस्टर कंप्यूटर, डी जंतर मंतर. फ्रीज इट प्लीज. एंड वेरी वेल डन. डी जंतर मंतर इज द राइट आंसर. 20,000 रुपीज. द जंतर मंतर एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइसेज वर बिल्ट इन दिल्ली, जयपुर, उज्जैन एंड काशी साइमल्टेनियसली. साथ में बनवाए गए थे. वेरी वेल डन. बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ खेलते हुए. जल्दी जल्दी तुमने पांच सवालों के जवाब दे दिए हैं. तुम्हारे पास एक और लाइफ लाइन अब आ गई है जिसका है फ्लिप द क्वेश्चन. मतलब अगर सवाल पसंद नहीं आए तो हम उसको बदल सकते हैं. All right? Are you feeling good? Yes. All right, I'm feeling very good playing with you. And एक सेकंड के लिए ब्रेक लेंगे. Ladies and gentlemen, boys and girls, take a break. Hear a word from our sponsors and come back very fast. क्योंकि मैं और धर्मेश मल्होत्रा यहाँ पर आपका इंतजार कर रहे हैं. Take a break. Welcome back, ladies and gentlemen, boys and girls. मेरे साथ बैठे हैं धर्मेश मल्होत्रा जो आगरा से आए हुए हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं. पांच सवालों का सही जवाब दे चुके हैं और छठा सवाल जो 40,000 रुपए के लिए है. चारों लाइफ लाइन्स इंटैक्ट हैं. What do you want to do? Should we play? Yes. Okay, Mr. Computer, sixth question for 40,000 rupees. पेश किया जाए. देवी भागवत के अनुसार कौन सी देवी पृथ्वी पर तुलसी पौधे के रूप में अवतरित हुई थी? ए पार्वती, बी सरस्वती, सी इंद्राणी, डी लक्ष्मी. ऑडियंस फोर लेना चाहूंगा. बिल्कुल कुछ अंदाजा नहीं? नहीं अंदाजा है. इट्स बिटवीन पार्वती एंड लक्ष्मी आई थिंक. पार्वती और लक्ष्मी के बीच में तुम्हें कंफ्यूजन है तो ऑडियंस पोल से पता करना चाहो. या मिस्टर कंप्यूटर, धर्मेश मल्होत्रा आगरा से अपनी ऑडियंस पोल लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहते हैं. उन्हें ये ऑप्शन दिया जाए प्लीज. सवाल आप लोगों ने सुन लिया है. देवी भागवत के अनुसार कौन सी देवी पृथ्वी पर तुलसी पौधे के रूप में अवतरित हुई थी? आपकी चॉइसेस हैं ए पार्वती, बी सरस्वती, सी इंद्राणी, डी लक्ष्मी. अपने पोल पैच पर ए बी सी दबाएं और धर्मेश की मदद जल्दी से करें. आपका पोलिंग का वक्त शुरू होता है नाउ. पार्वती 34%, सरस्वती 11%, इंद्राणी 12% और लक्ष्मी जी 43%. ज्यादा कंफ्यूजन हो गया. ज्यादा कंफ्यूज कर दिया जी. देवी भागवत भगवती. अकॉर्डिंग टू द देवी भागवत, विच गॉडेस अपीयर्ड ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ द तुलसी प्लांट? देवी भगवती पार्वती को. 50-50 लेना चाहूंगा. 50-50 लेना चाहेंगे? पक्का? ओके मिस्टर कंप्यूटर, धर्मेश मल्होत्रा अपनी 50-50 लाइफ लाइन का इस्तेमाल करना चाहते हैं. सोच लिया? पक्का? थोड़ा सोचने का वक्त दूं? नहीं सोच लिया. श्योर? जी. ले लें 50-50? बिल्कुल. ओके उन्हें ये 50-50 ऑप्शन प्लीज दिया जाए. दो गलत जवाब उनके सामने से हटा दिए जाए. रह गई हैं इंद्राणी और डी लक्ष्मी. लक्ष्मी को फ्रीज कीजिए. लक्ष्मी को फ्रीज करें. मिस्टर कंप्यूटर, धर्मेश मल्होत्रा चाहते हैं डी लक्ष्मी. फ्रीज इट प्लीज. धर्मपाल जी समझते हैं कि जवाब डी लक्ष्मी. जी हाँ. पक्का? पक्का. ओके पिताजी कहते हैं तो सही है. डी लक्ष्मी इज द राइट आंसर. वेल डन. सही बताया था ऑडियंस ने. मुझे समझ नहीं आता जब आंसर ठीक होता है सब लोग थैंक यू कहते हैं ऑडियंस को. इसके बाद तो इनकी मदद की जरूरत नहीं है. थैंक यू कहने की क्या फायदा.
ओके, सातवां सवाल पूछता हूँ, 80,000 रुपए के लिए है। ओके, रेडी हैं आप? जी। मिस्टर कंप्यूटर, सेवेंथ क्वेश्चन, पेश किया जाए धर्मेश को। अरबी शब्द जलजला का क्या मतलब होता है? ए सुनामी, बी साइक्लोन, सी अर्थक्वेक एंड डी फ्लड। जलजला, इसका कोई आइडिया नहीं है, फ्लिप करना चाहिए। कभी ऐसा सुना हुआ है वर्ड? नहीं, जलजला सुना तो है बट इसमें क्या आ सकता है? जलजला, जल तो हिंदी शब्द है, फ्लड में पानी आता है। जलजला, हाँ, जल जला नहीं, जल जला। तो फ्लिप करना चाहूंगा सर इस क्वेश्चन को। फ्लिप करना चाहेंगे इतने जल्दी? सोचेंगे नहीं, बहुत कॉमन सा एक्सप्रेशन है। साइक्लोन, सुनामी, जलजला, अर्थक्वेक, फ्लड, जलजला मींस चारों तरफ फैल जाना। आई थिंक फ्लड होना चाहिए। यू थिंक फ्लड होना चाहिए? अगर श्योर हो तो मैं फ्रीज करूंगा, लेकिन अगर गलत जवाब हुआ तो 20,000 रुपए वापस आ जाओगे और गेम भी खत्म हो जाएगी, और अगर सही हुआ तो ऑफकोर्स 80,000 रुपए जीत सकते हो। नहीं मालूम तो दो लाइफ लाइन है तुम्हारे पास। वैसे सकता है सर, कैप, टोपी। ओह या श्योर, इससे बड़ी मदद मिलती है। You are fantastic. Now you see. Flat, D flat को free कीजिए सर। Are you sure? Yes. टोपी काम करना चाहिए। एक बार और सोच लो, last time. Flat. Flood. You'd like to go for flood? Yes. You want me to? फ्रीज इट नाउ। मिस्टर कंप्यूटर, धर्मेश मल्होत्रा आगरा से, डी फ्लड, फ्रीज इट प्लीज। क्यों लगा फ्लड होगा आंसर? जलजला में मेरे ख्याल से पूरा वो सब चीज फैल जाना होता है शायद, तो इसी वजह से, क्योंकि फ्लड पूरा पूरे शहर को घेर लेता है, इसलिए मुझे लगा ऐसा। पक्का था? कच्चा था? कच्चा कच्चा, पक्का पक्का, कच्चा था। और कच्चा होता है तो क्या करना चाहिए? लाइफलाइन लेनी चाहिए। लाइफलाइन लेनी चाहिए। लाइफलाइन तुमने ली नहीं, मैंने ऑफर भी किया था तुमको। द राइट आंसर इज सी, अर्थक्वेक। जलजला का मतलब होता है अर्थक्वेक। मैंने तुम्हें कहा भी कि जल जला नहीं है, जल से इसका कुछ लेना देना नहीं है, ये जलजला यानी अर्थक्वेक। 68% ऑफ द ऑडियंस वोटेड फॉर अर्थक्वेक, बट तुमने जल्दबाजी की, मुझे ऐसा लगा। 20,000 रुपए तुम यहां से जीत कर जरूर जाओगे धर्मेश, लेकिन मैं चाहता था कि तुम और भी खेलो और